आपको एक गुड न्यूज़ भी आज सुनानी है। गुड न्यूज़ जो है तो आप समझ तो गए होंगे। तो दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि हमारी फिंचेस का कोई, मुझे लग रहा है कि मट्टी में कुछ ना कुछ दोस्तों हरकत हो रही है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो को दोस्तों आप ज़रूर देख रहे होंगे और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आ रहे हैं मैं उनको वेलकम करता हूँ, और जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर बन चुके हैं उनका तो दोस्तों उन्हीं की मेहरबानी से हमारा जो है तो चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। ये सब आप ही की वजह से हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इस ब्रूडर में आपके सामने इधर वाइट मेल और साथ पैटर्स की फीमेल लगाई थी, तो हमने जो है तो पीछे जंगली भी लगाई थी। जंगली भी अंडे माशाल्लाह देने लगी है। और दोस्तों इधर भी आज मैंने जो है तो एक अंडा उठाया, मतलब कि जो हमारी नीचे फीमेल एक राज में थी, मैंने आपको बोला था कि एक फीमेल अभी तक हमें पता नहीं लग रहा कौन सी दे रही है, वो ये फीमेल थी दोस्तों। तो इसने इसमें से एक ने तो दोस्तों अंडा दिया, सुबह मैंने इस केज में से अंडा निकाला है। तो इंशाल्लाह अब हमारे पास जो है तो वाइट मेल और साथ जो है तो ये पेटल की फीमेल, अब वाइट मेल के बच्चे आएंगे और देखते हैं इसकी इनकी ब्रीड में से कैसे बच्चे निकलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और मैंने कमेंट एक रीड किया था कि भाई आप बटेरों का जो है तो वो बॉक्स से इनका घर बनाएंगे तो तब ये अंडे देंगे। तो मतलब मैं इनके कैसा घर बनाऊँ कि ये अंडे देंगे, क्योंकि मुझे तो इनका नहीं पता कि इनको नेस्टिंग दूँ, नेस्टिंग में ये जमा करके खुद बनाएंगे, या इनके आगे कोई छोटा सा कॉटन का डब्बा रख लूँ। तो उसमें मैं दोस्तों ये कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैं किस तरह से इनके केज में देखें। आप माशाल्लाह इधर मैंने रखे हुए हैं, जैसे कि आपको मैं हर दफ़ा बताता रहता हूँ कि इधर अंदर रखे हुए, लेकिन मुझे खुद भी लग रहा है कि कोई इनका घर वगैरह और डब्बा हो जिसके अंदर ये ऐसे जाएँ और नेस्टिंग अंदर डाली और वहाँ पर अंडे दें। तो इंशाल्लाह मुझे बताइएगा, फिर मैं वैसे ही इनको नेस्टिंग भी दूंगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं अभी ये ठंड हो रही है, शाम का टाइम है, तो चूज़े हमारे ये बक के बाहर ही पूरा दिन घूमते रहते हैं। ये वाइट का देखें माशाल्लाह, ये भी बड़ा हो चुका है, ये वाइट के और वो गोल्डन के, हमारे 8 पीस गोल्डन के हैं दोस्तों। तो अभी भी दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह फीमेल अभी शोर कर रही है, शायद ये दूसरी फीमेल होगी जो जिसने अभी तक अंडा नहीं दिया। तो शायद मैं खोल के ये भी देख लेता हूँ कि इसने दिया ही नहीं दिया ये। तो अभी तक तो दोस्तों मुझे अंदर दूसरा एग दिखाई नहीं दे रहा, और इन्होंने बर्तन भी पानी का गिराया हुआ है। फिर ये भी मैं अभी जो है तो जब फीड डालूंगा तो वो सेट कर लूँगा इनका। तो ब्रामा के पीस भी बाहर ही घूम रहे हैं, और माशाल्लाह ये फीमेल अब काफ़ी अच्छी हो गई है, ये जो खड़ी हुई है पहले तो इतनी खास नहीं थी, अब माशाल्लाह इसकी सेहत ठीक हो रही है। तो दोस्तों इसके अलावा मुझे याद आया आपको एक गुड न्यूज़ भी आज सुनानी है। गुड न्यूज़ जो है तो आप समझ तो गए होंगे। तो दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि हमारी फिंचेस का कोई, मुझे लग रहा है कि मट्टी में कुछ ना कुछ दोस्तों हरकत हो रही है। क्योंकि आज मैंने जो है तो सुबह जब मैं उठा था, क्योंकि मेरे ही कमरे में दोस्तों फिंचेस होती हैं, तो मैंने हल्की हल्की आवाज़ सुनी, जिस तरह मुझे पहली दफ़ा जब हमारे बच्चे जो कि अब नहीं रहे वो पहली दफ़ा वाले उनकी आवाज़ें थी वैसे ही आ रही थी। तो मैं समझ गया कि यकीनन दोस्तों मट्टी में कुछ ना कुछ है, बच्चे निकले हुए हैं। ये नहीं पता दोस्तों कि कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों ये तो हम जाएंगे तो वहाँ पर पिंजरे के अंदर, मैं आपको दोस्तों को दिखाऊँगा ज़रूर, क्योंकि अंदर हाथ बड़ा मुश्किल होता है करना, क्योंकि वो पिंचर बाहर ना निकल जाएँ। लेकिन दोस्तों मैं अंदर फ्लैश लाइट ऑन करके आपको दिखाऊंगा। तो नीचे ही चलते हैं दोस्तों, और आपको मैं इंशाल्लाह पिंचर दिखाता हूँ, उनके बच्चे भी देख लेते हैं। मैं नीचे आ चुका हूँ और वहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ जो हमारा जो पोर्शन है वो किटी और पप्पू का पोर्शन है ये, क्योंकि इन्हीं का समझे इन्हीं का इलाका है, हम इनके इलाके में आ चुके हैं जहाँ पर हमारे पप्पू और किटी होते हैं। दोस्तों ये हमारी किटी है जो अभी तो दीवार पर थी, और पप्पू भी उधर ही बैठा हुआ है। ये देखें माशाल्लाह पीठ खानी आई है, मैंने हाथ आगे किया तो मेरे करीब आ गई है, तो कहती है मुझे प्यार करो। तो इसका इनका हर टाइम पे यही होता है कि हमारे साथ हमें जो है तो इस तरह हमारा मसाज करते रहे, तो इस तरह पास बैठे रहें। तो मैं आपको पप्पू भी दिखा देता हूँ, वो पर्दे के पीछे क्या है, तो पर्दे के पीछे दोस्तों पप्पू बैठा हुआ है, ये आ गया खुद ही दोस्तों आ गया, हमने पर्दा भी हटाया नहीं था। इसने कहा इस मेरे बारे में जिक्र हो रहा है, ये फ़ौरन खुद उतर के आ चुका है दोस्तों। तो अब ज़्यादा अपने दोस्तों को मैं जो है तो मतलब कि इंतज़ार भी नहीं करवाऊंगा। तो चलते हैं फिंचेस के पास और कमरे के अंदर फिंचेस को जो, क्योंकि मैंने दोस्तों आगे इनकी शीट तब नहीं लगाई थी, मुझे लगा ये ना हो कि कमरे के अंदर सांस हवा भी नहीं जाएगी और इन्हें रोशनी भी नहीं मिलेगी, बच्चे नहीं निकलेंगे, इसलिए मैंने कहा कि इस दफ़ा चेक कर लेते हैं, फिर तो हम करीब हम इनकी शिफ्टिंग में सोच रहा हूँ करूँगा। तो दोस्तों अब अंदर चलते हैं और फिंचेस आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ जहाँ पे हमारे फिंचेस का सेटअप है। हमारे पास दो ही पेयर थे, एक तो आपको पता है फीमेल नहीं रही थी, उसका मेल ही है हमारे पास सिंगल, इंशाल्लाह जल्द उसका भी हम पेयर कम्प्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इधर मैं इस वजह से कह रहा हूँ दोस्तों कि आप देख सकते हैं गंदगी कितनी, क्योंकि फिंचेस खाती कम है, बाहर ज़्यादा गंद इन्होंने फेंको होते हैं, और सारा कमरे में हमारी कंगनी और यही होती है, क्योंकि अक्सर लोग बड़ी कंगनी देते हैं। मुझे एक भाई ने कहा था आप ये वाली कंगनी दें तो ये बेस्ट रहती है। देखें आप बारीक दाना है, इसमें पीला दाना भी है जो वाइट दाना हम कहते हैं, और एक रेड दाना है दोस्तों। ये वाली मैं इनको कंगनी देता होता हूँ, और इसके अलावा जो है तो सॉफ्ट फूड में रोटी भिगो के दे देता हूँ, चावल उबले हुए जो बॉयल राइस होते हैं वो दे देता हूँ,
तो एग फूड भी डालता होता हूँ जब मैं बजीज के लिए तैयार करता होता हूँ। तो दोस्तों ये इनके लिए अच्छा होता है, आई थिंक इसी की वजह से इन्होंने इस दफ़ा जल्दी ब्रीड की है, क्योंकि मेरे पास ये फर्स्ट टाइम इधर जो मेरे पास बच्चे निकले हैं। पहले तो दोस्तों आपको पता था जैसे कि हमने बाय से लाया था और अचानक वो तो इतफाक़न ही इन्होंने दे दिए थे। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा वो पेयर, ये देखिए माशाल्लाह फ़ीमेल, ये जो थोड़ी सी फैट फैट है ये फ़ीमेल है, और वो हमारा मेल है साथ वाले केज में, तो वो सिंगल मेल वो नीचे बैठा हुआ है। तो अब दोस्तों ये देखें इस दफ़ा इन्होंने नेस्टिंग कितनी प्यारी नेस्टिंग की है। दोस्तों हमने जो प्लाल लाई थी जो सब्जियों सब्ज़ी फ्रोश से मिल जाती है आपको, ये देखें माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर से कवर किया है। पिछली दफ़ा दोस्तों इनका नेस्ट इस तरह का था जैसे इनका नेस्ट बना हुआ था, कि ऊपर से बिल्कुल आज़ाद था और रात को हवा लगती रहती, क्योंकि मुझे भी ऊपर से फिंचेस के बच्चे नज़र आते रहते थे, तो वो मुझे नहीं पता था कि इनकी नेस्टिंग अच्छी नहीं है। तो अब दोस्तों ये है कि मैं मोबाइल अंदर पिंजरे के अंदर करना पड़ेगा, मुझे फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ेगी, तो मैं वो ऑन करके आपको अंदर ही फिर दिखाता हूँ इनके बच्चे वगैरह। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अंदर जो है तो कैमरा ले आया हूँ, क्योंकि फिंचेस काफ़ी इधर उधर भाग रही हैं। माशाल्लाह से दोस्तों आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मुझे तो लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं मुझे समझ ही नहीं आ रही इनकी चोंच किधर है, बहुत छोटे हैं, आई थिंक चार बच्चे लग रहे हैं दोस्तों। ये देख रहे हैं दोस्तों हिल रहा है माशाल्लाह, हरकत कर रहा है, तीन या दो तो हैं ये हैं दोस्तों। अभी मैं इनको टच नहीं कर सकता क्योंकि मटकी का आगे से ही काफ़ी छोटा सा एरिया है, तो फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों कितने क्यूट हैं, छोटे से हैं। अभी दोस्तों ये मुझे लगता है दूसरे दो दिन के होंगे अभी, फौरन ऊपर से इनके बाल भी नहीं हटे हुए, तो माशाल्लाह इस दफ़ा भी इन्होंने बच्चे तो निकाल दिए। आप दुआ करें क्योंकि नेस्टिंग काफ़ी हमने दी हुई है। अब मैं बाहरी कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी फिंचेज इधर उधर उड़ रही हैं, और बाहरी निकाल के आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आज आपको दिखाया कि हमारी फिंचेस ने आखिरकार बच्चे निकाल ही लिए हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि सही दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि आपने देखा था छोटी छोटी इनकी चोंचे हैं तो आगे से बहुत छोटे से हैं। तो तीन चार दिनों में दोस्तों ये फ़र्क पता लग जाएगा कि कितने बच्चे इन्होंने दिए, दो दिए तीन दिए, तो वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो बहुत से लोग कह रहे थे कमेंट में आप फिंचेस नहीं दिखा रहे, फिंचेस नहीं दिखा रहे, इसी वजह से नहीं दिखा रहा था कि मैं खुद इंतज़ार में था कि कब बच्चे आए और आपको दिखाऊँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो उसके लिए मदद है। लेकिन मैंने अब आपको दोस्तों दिखा दिए हैं, इंशाल्लाह मैं डे बाई डे इनकी दिखाता रहूँगा प्रोग्रेस जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की आपको वीडियो जो है तो पसंद आई होगी। हमारी किटी देखें अभी शरारत के मूड में थी, अभी सोने के मूड में है, अब इसका सोने का टाइम हो गया, रात को इनका जागने का टाइम होता है दोस्तों। करता हूँ दोस्तों मेरा आज का ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा। हमारे घर में आज सरप्राइज़, क्योंकि हमें फिंचेस ने सरप्राइज़ दिया, खुश किया है, कभी खुशी आती है कभी गमी आती है, खैर ये तो लाइफ का ऐसा है। तो दोस्तों मैं इसके अलावा जो है तो हमारे चैनल पर जो न्यू दोस्त आ रहे हैं उनको वेलकम करता हूँ, इसी तरह आप हमारा साथ देते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन हमारे एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाएगी। तो दोस्तों दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।